अस्सलाम वालेकुम जी। तो वी आर बैक अगेन विद एन अदर ब्लॉग जी। आज का ब्लॉग आपका भाई घर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखो फिर से उदास बैठी हुई है बेचारी हैं जी। ये पता है किसके चक्कर में बैठी होती है, मैं ज़रा तुम लोगों को बताता हूँ। ये बैठी होती है जी इसके चक्कर में, ये जो है ना ये इसके चक्कर में बैठती है। देखो आगे पीछे पीछे इसके चक्कर में बैठी रहती है, इसके पास बैठती है, ये भी चीखे मारता है, ये मज़े लेती है बस बैठ के, कहती कुछ भी नहीं है बस दूर से बैठ के ना। ये देखो चेक करो उसे, कुरियाँ कराती है उसको, वो बेचारा फिर चीखे मारता है, वो चलता है इधर उधर। बाकी आज का सीन ये है कि जैसा कि तुम लोगों को पता है कि तुम्हारे भाई ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लर्नर बना लिया था, लेकिन गाड़ी तो चलानी नहीं आती, तो अभी अब्दुल्ला को बुलाया, अब्दुल्ला आएगा अभी, उसके साथ चलते हैं गाड़ी निकालते हैं, ज़रा i14 लेके जाते हैं, थोड़ा फिराते टुराते हैं। लेकिन जी उससे पहले का एक काम ये है कि अली साहब ने कहा है कि मेरे लिए बैट लेके आओ, तो चलते हैं पहले उसके लिए बैट लाते हैं। तो टेंशन लेती है यार, 8 दिन रह गए हैं भाई, 8 दिन रह गए हैं, तेरा संगी आने वाला है, संगी तेरा आने वाला है। अली साहब का बैट ले लिया, अली साहब बैट पसंद है आपको, चलो घर से। अपना प्राइवेट जेट तैयार है, हमने ड्राइवर पकड़ लिया, ये हमें सिखाएगा जरा अपना बूथा शरीफ जरा पीछे मुड़ के दिखाइए। बाकायदा लानत पड़ी हुई है। ये हमारा ड्राइवर है, चाबी पकड़ी, ये ड्राइवर इसको लेके जाएंगे डायरेक्ट हम लोग किधर जी, i14 लेके जाएंगे। बिलाल साहब जरा पानी शानी पी के आ रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं i14 के लिए, वहाँ पे जाके आप लोगों को जरा भाई की थोड़ी सी जो ये भाई सिखाएंगे वो दिखाएंगे। पकड़ाऊंगा भाई, मुझे क्लच गियर शेयर कुछ भी नहीं पता, बताएंगे ना ऐसे क्या होता है, उधर खाली रोड है, कुछ भी नहीं होता। हमारा प्यारा सा बाटा चौक का ग्राउंड जहाँ में मंडी लगती है हर साल, क्या हो गया बिलाल साहब, क्या हो गया यार, प्यारी 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 जब इसकी तस्वीरें आती है ना तो उसकी ऐसी आवाजें आती है, क्या बात। ये हमारे अब्दुल्ला साहब ड्राइविंग करते हुए बस i14 निकलते हैं, गाड़ी रुकी है ठीक है साइड पे, अभी आपका भाई निकलेगा, जाके जरा ड्राइविंग मारे थोड़ी सी साइड, हो निकल आए बाहर, निकल बाहर, ये देखते हैं क्या बनता है, बताया या तो बचेंगे या बचेंगे, ये चेक करो भाई जान, कैमरा बंद कर दो, पूरा ध्यान गाड़ी की तरफ, ये कैमरा मैन हमारा पीछे बैठा नहीं पकड़ेगा भी, नजर आ रही शीशे से नजर आ रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता कि यहाँ पे ब्रेक कौन सी है, रेस कौन सी, क्लच कौन सा है, क्या बोला तूने, ब्रेक कौन सी है, रेस कौन सी, क्लच कौन सा है, ए बी सी, अच्छा एक्सीलरेशन ठीक है, मतलब रेस बी ब्रेक ठीक है, समझ गया ठीक, क्लच हो गया ठीक है, बंदा लग गया समझ गया, नीचे जा रहा हूँ इसको पकड़ के, कौन रखेगा, यही तो गेम है ना, और क्या है, हमारी गाड़ी का है भी थोड़ा एकदम छोड़ेगा तो झटका मार के बाहर हो जाएगी, मुझे पता लग गया ये जेट है ना पागल है, प्राइवेट जेट है। अच्छा पहले तू ये हैंड ब्रेक, ब्रेक ब्रेक के ऊपर पैर रख के, ब्रेक के ऊपर पैर रखा फिर हैंड ब्रेक नीचे करे, बड़ा जोर लगता है वो इसमें तो, बहुत गला झटका लगने वाला है, अब क्लच दबा, पूरा दबा, पूरा 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 फुल, पहला मुझे डालने देना ये रहा, इधर कर, ये हो गया, कितना न्यू तो हो ही नहीं रहा, और आगे चला, पहला गेट डाल गया, डाल गया फारग हो, स्टार्ट करो रेस, बिल्कुल हल्की हल्की रेस देनी है ठीक है, और हल्का हल्का क्लच छोड़ना है, ये देखिए यही गलती है, ओए ओए हल्की हल्की, हां ये मैंने छोड़ दिया, हां ओ अजान चला रहे, ओए ठीक है ये चला रहे जी, जाने का क्लच दबा, दूसरा गियर पीछे पीछे नहीं बाहर यार, गाड़ी दिखा दे यार, व्यूअर्स को दिखाओ गाड़ी चला, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, बहुत तेज हो गया है, शीशे में आग मार दो, बीच पे ठीक है ठीक है, जाने दे जा रहे, ओए शूट क्लच के ऊपर से पैर उठा दे, मार मार मार, क्लच पे पैर ही नहीं, स्टीयरिंग दोनों हाथों से पकड़, शोके ने मार, क्या शोके यार, साइड पे भी देख तू, गाड़ी तो नहीं आ रही, अंकल जी सीख रहे आगे नहीं आना, जा रहे हैं प्यार मोहब्बत के साथ हम लोग ठीक है, किधर जा रहे हैं दान भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता, बस पीछे और सामने दो बंदे नहीं हटाई, सज्जे हो उधर कर, उधर कर, गाड़ी भी बचानी है ना यार, हां वही उधर देख के बचानी है, चल ये देख हम है ही पक्के ड्राइवर, देखो ये कहां से वन है ड्राइवर, अब
तीसरा गेट डालेगा आए, ओ, ये चक्का नहीं देगा, ये नहीं, ओए स्पीड ये नहीं करना, समझ गया समझ गया, अजान ये नहीं करना, अजान गिरेंगे, अजान खुदा की, ओए ओए गाड़ी उल्टी हो जाएगी कसम से, क्या ये डब्बा है, पागल है तू यार, ये नहीं करो यार, डर गई ये, डर गई ए, डर गई चुप लग जा बना अजान भाई, जेट का पता चले स्पीड मार दो, हम हवा में उड़ रहे हैं, या व्यू चेक करो, पहली दफा में तुम्हें चुल हो रही है चाचू, पहली दफा चला रहे, अब आगे देखो, आगे है मोड़, ठीक है, उधर से भी सड़क आ रही है, ठीक है, पहले ब्रेक लगाएगा हल्की 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 हल्की, आगे तो जाने थे पहले ही लगा, ठीक है, ब्रेक लगाएगा हल्की हल्की, रोक क्लच दबा, गियर डाउन कर, ओए झटका, नहीं नहीं पूरी गाड़ी नहीं रोक ले, गाड़ी चल रही है, वो चल रही है, जब ऐसे मैं बता गियर निकालूंगा कैसे, अब मैं बता रहा हूं, ठीक है, अब ये देख चलते हुए ना, जब ऐसे वो आ जाता सड़क आ जाते, तूने पहले ब्रेक हल्की हल्की, पूरी एकदम ब्रेक नहीं लगानी, हल्की हल्की लगानी है, ठीक है, जब लगी गाड़ी आहिस्ता हो रही है ना, आहिस्ता हो रही है, फुल क्लच दबा के, अब ये तीसरा गियर है, तीसरा गियर निकल आया, ये पहले जीरो पे हो गया, नहीं जीरो पे नहीं, अभी दो गियर पे आ गया, अच्छा बीच में आ गया, तीसरा निकला, ठीक है, ये अभी न्यूट्रल पे होगी ये गाड़ी, क्या बोला तूने, अभी न्यूट्रल पे होगी ये गाड़ी, पहले क्या बोला, पहले जीरो पे हो गया, नहीं जीरो पे नहीं, अभी दो दूसरे पे आ गया, चल चल चलो जाके इलाज करो अपना, कैसे पता चला जी न्यूट्रल पे होगी, बता ना, अब तू कह रहा न्यूट्रल पे होगी, तीसरे से डायरेक्ट न्यूट्रल पे आई है ना, न्यूट्रल पे कैसे आ गई, दो गियर किधर गए, अरे कहना क्या चाहते हो, जरा तुम लोग पागल हो, गाड़ी है मोटरसाइकिल थोड़ी है, ऐसे तो नहीं होता है, बता दो कैसे आया, ये देखना, ये थ्री नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है, हाँ तो ये एरो नहीं बना हुआ, ऐसे बना हुआ, ये बीच में, ये देख ये न्यूट्रल है गाड़ी, छोड़ दे क्लच, नहीं जाती गाड़ी कहीं भी, ये देख न्यूट्रल है गाड़ी, कैसे हुआ है इसको देख, इसने सीख दी कोई नहीं यार, ये देख तो समझा, बिना तू कैसे, तू निकाल के बोलते न्यूट्रल है, क्लच दबा दबा दिया मैंने, क्लच फुल दबा दिया, फुल दबा दिया, पहला गियर तो दूसरा किधर गया, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, हम तीसरे गियर में गाड़ी लेके आए, लेके आए ना, तू पहले से भी ट्रैक न्यूट्रल में ला सकता है, दूसरे मैं कह रहा हूँ कि जब चलती भी गाड़ी के आपने गियर डाउन करने हैं ना, तो वो ऐसे करने, अब जैसे तेरी गाड़ी ये जी चौथे गियर में है, ये तो हमने रोकी है ना, हमने तब गाड़ी न्यूट्रल पहले से डायरेक्ट चौथे पे, ओए यार सुन तो ले, मैं बता रहा हूँ, गाड़ी जा रही है तकरीबन 60 की स्पीड में, इतनी स्पीड में, ठीक है, चार गियर में, ठीक है, जा रही है ना, तो तूने ड्रैग ब्रेक लगा कर रोक नहीं देने, ठीक है, पहले तुम ब्रेक लगाओगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगाओगे, क्लच दबाओगे, ठीक है क्लच दबाओगे, दबा क्लच, दबाया हुआ है, ठीक है, गाड़ी को तीसरे गियर में, चलती हुई गाड़ी का गियर कैसे चेंज करना है, ऐसे करते हैं, चलती हुई गाड़ी का, आराम से बोलना, बदमाशी क्यों कर रहा, चुप कर, चलती हुई गाड़ी कैसे, ठीक है, अब आगे इशारा आ रहा है, तूने और गाड़ी आहिस्ता करनी है, ठीक है, चलती हुई गाड़ी के इसी तरह तू क्लच दबाएगा, ठीक है, तू दूसरे में लाएगा, ठीक है, ठीक है, पहले में लाएगा, ठीक है, गाड़ी आहिस्ता हो रही है, ये न्यूट्रल है, ऐसे चलती हुई गाड़ी का हमेशा, जैसे हम यूं एकदम बाइक के गियर निकालते हैं ना, साथ के पहले पे ले आते हैं, ऐसे गाड़ी हमेशा, ये जो फुटपाथ होता है इसे गाड़ी दूर रख के मोड़ते हैं, बिल्कुल करीब से नहीं मोड़ते, भाई जान पहली बार चला रहे हैं, आगे नहीं आना, जाने दे, बेटा अगर तूने स्पीड मारी तो पेटे लगाऊंगा, जाने दे जाने दे जाने दे, अभी जा 20 की स्पीड पर, 20 के बाद लगाऊंगा दूसरा गियर, हाँ जा जा तू बिना लगा बंद कर, कैमरा बंद कर, एकदम क्लच नहीं छोड़ रहा, ये झटका नहीं देना, अजान तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल ले बंद है, तब ये बात नहीं हो रही है, ठीक है, कुछ गाड़ियां होती है खटक खटक हो, मुंह बंद हो जाते हैं, ठीक हो गया भाई, मतलब हमारी गाड़ी ठीक है, प्राइवेट जेट है ना, प्राइवेट जेट है यार, वो भी सीख रहा है, वो भी सीख रहा है, वो रॉन्ग साइड पे आ रहा है,
ये वैसे ये सड़कें आ रही हो तो गाड़ी आहिस्ता रखनी है इधर देखना है इधर। हाँ जी रॉन्ग साइड पे गलत जा रहे चाचू चला गया चाचू निकाल गाड़ी राम राम से जाएगा जाएगा पुत्र अपनी गाड़ी है तू टेंशन ना ले ये देख चढ़ाई है चढ़ाई हल्की सी चढ़ाई है तीसरे पे इतने प्यार से जा रही है दूसरे पे क्यों रखवाए अजान भाई क्यों सस्ती लॉजिक ये रूल्स है ट्रैफिक रूल्स है तुम्हें पता ही नहीं है देखो यार जब आप लंबी चढ़ाई पे चढ़ाओगे ना फिर आपको पता लगेगा क्यों गेट डाउन करना है वो ऑटो चलाएंगे भाई ये तो हम ऐसे सीखने के लिए कर रहे हैं भाईजान ऑटो चलाती है लड़कियां टेस्ला लेके ऑटो चलाओ मैनुअल चलाने का जो मजा है वो किसी में नहीं है यार मैनुअल में गाड़ियां फंस जाती हैं पता है क्या फंस जाती है बड़ी बड़ी चढ़ाइयों में फंस जाती है मैनुअल में गाड़ियां आप क्या कहना चाहेंगे ऑटो झटका नहीं देती गाड़ी तीसरे गेम में समझ यार अभी दूसरे में लोग रहते हैं यार यहाँ पर गाड़ी शीशे में देख के आराम से फुल स्टीयरिंग में हल्का सा अब देख खुद समझ आ जाती है बंदे को कितना मोड़ना है कितना नहीं मोड़ना वो अकल वाले बंदे को आती है चाचू सीख रहे ने परा रखो चाचा पे सीखना पे कौन सा गेयर है आप नहीं लगा ना झटका ये सीख क्यों इस बंदे को नीचे दे के दिखा देख रही अजान पे गेट निकालो ना नहीं अभी जाने थे भाई कार है तो सब व्यू चेक कर लो इसको मारो बता आए पानी ठीक है ना सर कोई झटका जो आ गया जैसे स्पीड ब्रेकर तो वही मैंने तुझे बताया था कि किस तरह रोकनी है गाड़ी जैसे जैसे इशारा आता है जैसे अब तीसरे गियर में स्पीड ब्रेकर पे मैं गियर निकालना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर तो टाइम लग जाएगा बता गाड़ी हल्की सी जैसे हम बाइक पे मैं बता रहा हूं ना तीसरे गियर पे निकालते हैं मैं बता रहा हूं ना बता गाड़ी जा रही है ना ठीक है जा रही है तो उसको तीसरे पे नहीं तू जो मारेगा हमेशा ये गाड़ी जो चौथे पे हुई फिर तो बता रहा हूँ ना निकाल ला तीसरे गियर पे लेके गाड़ी करीब लेके तीसरे पे तू बता ही रहा है कुछ आगे भी बोल है क्या पे जंप है जब कोई जंप आ जाए तब जंप आ जाए तो मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है ऐसे बोल जब यार ये क्या चीज है जब जंप पे गाड़ी सीखनी है बात सुन तू बोल जब जंप आएगा अब ले मैं भी बोल जाऊं बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे नहीं तो भाई इसको बोलना चाहिए जब जंप आएगा मैं तब बताऊंगा कह रहे बता रहे हो ना बता भी नहीं रहा तो गेट तो डाल मैंने जो तुझे आगे बताया था कि चलती हुई गाड़ी के कैसे चलती हुई गाड़ी के कैसे गेट डाउन करने हैं तो वही चीज जंप के ऊपर करनी है मैं कह रहा हूँ जंप आएगा मैं गेट डाउन करना स्टार्ट कर दूंगा तू पागल है हाँ तो तू चौथे गियर के ऊपर गाड़ी गुजार ना बंद हुई तो मैं बात करी अगर ना बंद हुई तो बर्गर खिलाएगा वो गाड़ी रेस मार खिलाएगा खिलाएगा आज आज पहले आज का बोल जाते हैं आगे की तरफ आगे रोड खराब है टूटी हुई सारी कितना तेज है देख बर्गर बचा रहा है ये राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो सीख रहे हैं लगा दो सबर कार था तुमने गियर में नहीं न्यूट्रल में क्लच दबा गियर डाल चल आराम से आराम से आराम चल चल कर ड्राइविंग शराइविंग कर ली ठीक है इधर उधर पार्क आए हैं बिलाल साहब की तस्वीरें बनवानी है यार तू तो मेरे पीछे पड़ जाता है इंस्टा पे स्टोरियां लगानी होती है मैंने जरा वो एक वीडियो भी चढ़ाई थी इसी के बारे में ठीक है अभी निकलते हैं बस थोड़ी इसकी तस्वीरें बनाते हैं उसके बाद वापसी जरा काफी गाड़ी जाएंगे आपने गाड़ी पूरी बांध दी है ये देखो अभी तो शीशे ऊपर किए हैं यार कैसी बातें करते ज्यादा तो वंडर करो ये आप कैमरे को छोड़ दो आप ठीक है बस जी अभी जिम लगा के अपनी गली में वापस आ गए हैं ठीक है बाकी तुम लोगों ने आज का व्लॉग सही करके एंजॉय किया होगा उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़